हाय गाइज, आज हमारे पास है दो स्मार्टफोन, एक नोकिया 6.1 प्लस और एक रेडमी नोट 6 प्रो है। ये दोनों ऐसे डिवाइस है जो कि मार्केट में एक हाइप क्रिएट कर रखे हैं और दोनों में आप लोग कन्फ्यूज हो कि आपको कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए, कौन सा अच्छा है, कौन सा किस मामले में बेहतर है, कौन सा किस मामले में ख़राब है। हाय गाइज, मैं शुभम और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इन दोनों का कंपेरिजन करने वाला हूँ कि कौन सा फ़ोन किस मामले में बेहतर है, आपको कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए इस कीमत के अंदर। और ये कोई एक स्पीड टेस्ट नहीं है कि बेसिकली एक कंपेरिजन वीडियो है जिसमें आपको सारी चीज़ें मैं कंपेयर करके बताने वाला हूँ कि कौन सा फ़ोन किस मामले में बेहतर है और आपको कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। सबसे पहले बात करें नोकिया 6.1 प्लस की, तो 4 GB 64 GB के साथ में ये फ़ोन आपको 16,000 या 15,000 रुपये की कीमत में भी देखने को मिलेगा। रेडमी नोट 6 प्रो आपको 14,000 रुपये की कीमत में देखने को मिलेगा, जो कि 4 GB 64 GB के वेरियंट में आ रहा है अभी 14,000 की कीमत में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके डिस्प्ले के बारे में। तो डिस्प्ले साइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, नोकिया में 5.8 इंच की दी हुई है और रेडमी नोट 6 प्रो में आपको 6.2 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि एक लंबी डिस्प्ले है और काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है। अगर आप मूवी या गेमिंग वगैरह करते हो, शायद रेडमी नोट 6 प्रो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप कॉम्पैक्ट छोटे हाथ वाले इंसान हो, आपको कॉम्पैक्ट फ़ोन चाहिए, तो शायद उस केस में नोकिया 6.1 प्लस बेटर रहेगा। और अगर बात करें दोनों के ग्लास प्रोटेक्शन की, तो दोनों में गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। नोकिया में गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, जबकि गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन रेडमी नोट 6 प्रो में भी दिया हुआ है, पर पता नहीं कौन से वर्जन वाला गोरिल्ला ग्लास दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं दोनों के फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरे दोनों के यहाँ पे दिए हुए हैं। नोकिया में आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जबकि रेडमी नोट 6 प्रो में आपको 20+2 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। दोनों के कैमरा में डिफरेंस ये है कि जो नोकिया कैमरा, उसमें आपको डिटेल काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, और जो रेडमी नोट 6 प्रो का कैमरा है, उसमें आपको इतनी अच्छी डिटेल देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप देखते हो, जो मैंने फ्रंट फोटो ली हुई है, इसने फोटो तो काफ़ी अच्छी ले ली, पर वो जो पूरी डिटेल है वो मिस कर दी, मतलब एकदम डिटेल्स कुछ भी देखने को नहीं मिलेगी। अगर इसमें देखते हैं, ये वियर्ड फेस बना के मैंने एक फ़ोटो ली थी, इसमें डिटेल काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है आपको, जबकि रेडमी नोट 6 प्रो में आपको सारी डिटेल मिस मिलेगी। और एक एडवांटेज ये भी है कि नोकिया 6.1 प्लस में आप गूगल कैमरा इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ पर मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं काफ़ी सारे गूगल कैमरा, पर रेडमी नोट 6 प्रो में आप गूगल कैमरा इंस्टॉल नहीं कर सकते हो विदाउट रूट। अगेन यहाँ पे रेडमी नोट 6 प्रो में आपको फेस अनलॉक की फैसिलिटी देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पे वर्क करती है, जो कि इसका कैमरा दिया हुआ उसी से वर्क करती है, पर नोकिया 6.1 प्लस में आपको कोई भी फेस अनलॉक देखने को नहीं मिलता है। अगर बात करें बैक साइड की, तो बैक साइड में दोनों में डुअल कैमरा दिए हुए हैं। यहाँ पर नोकिया में 16+5 MP का डुअल कैमरा दिए हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छी पोर्ट्रेट और काफ़ी अच्छी डिटेलिंग फोटोज लेने में सक्षम है डुअल LED फ्लैश के साथ में। और यहाँ पे जो रेडमी नोट 6 प्रो में डुअल कैमरा दिए हुए हैं 12+5 MP के, जो कि कैमरे में काफ़ी अच्छी फोटोज ले लेते हैं, पर डिटेलिंग अगेन यहाँ पे रेडमी नोट 6 प्रो में आपको डिटेल देखने को नहीं मिलेगी, जबकि नोकिया में आपको काफ़ी अच्छी डिटेल देखने को मिलेगी। इवन नाइट में आप गूगल कैमरा का जो सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, गूगल कैमरा का जो Pixel 3 का कैमरा दिया हुआ है, वो आप नोकिया 6.1 प्लस में उसका नाइट मोड भी यूज में ले सकते हो, जो कि काफ़ी एडवांटेज वाला फीचर है। तो इस केस में अगर आप कैमरे के लिए आपको फ़ोन चाहिए, और नोकिया 6.1 प्लस का EIS भी काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है, जबकि जो रेडमी नोट 6 प्रो का EIS है वो इतने अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता है। अगर रेडमी नोट 6 प्रो में 4K वीडियो सपोर्ट नहीं करता, जबकि नोकिया 6.1 प्लस में आपको 4K वीडियो सपोर्ट करता है। और इवन अगर कलर सिचुएशन की बात करोगे, तो नोकिया में आपको काफ़ी अच्छे कलर देखने को मिलेंगे, जबकि रेडमी नोट 6 प्रो में आपको काफ़ी डल कलर देखने को मिलेंगे। अगर बात करें अगले चीज़ के बारे में, तो यहाँ पे दोनों फ़ोन में आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है Snapdragon 636। अगेन दोनों फ़ोन में सेम प्रोसेसर है, तो सेम अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, दोनों में आप काफ़ी अच्छे तरीके से गेम खेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगेन यहाँ पर सॉफ्टवेयर की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर में नोकिया 6.1 प्लस में Android 9.0 देखने को मिलता है, जो कि स्ट्रोक एंड्रॉइड के साथ में आता है। यहाँ पर रेडमी नोट 6 प्रो में आपको MIUI देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेबल है, पर काफ़ी बगी भी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बग देखने को मिलेंगे रेडमी नोट 6 प्रो में आपका। और नोकिया 6.1 प्लस आपको एकदम क्लीन एंड क्लियर देखने को मिलेगा, और काफ़ी जल्दी अपडेट भी मिलती रहेगी नोकिया 6.1 प्लस में। और अगेन बात करें बैटरी कैपेसिटी की, तो नोकिया में आपको 3000 mAh की बैटरी दी गई है, और रेडमी नोट 6 प्रो में आपको 4000 mAh की बैटरी दी हुई है। दोनों फ़ोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, इवन जो दोनों के फ़ोन में जो चार्जर आते हैं वो 5V 2 एम्पीयर के आते हैं, मगर यहाँ पे जो नोकिया फ़ोन है वो USB Type-C के साथ में आता है, जो कि एडवांटेज वाली बात है। और रेडमी नोट 6 प्रो अभी भी Micro USB के साथ में आता है, जो कि एक डिसएडवांटेज की बात है। बैटरी के मामले में डेफिनेटली रेडमी नोट 6 प्रो बेहतर है, इसमें आपको 7 से 8 घंटों का स्क्रीन टाइम देखने को मिलेगा, जबकि नोकिया 6.1 प्लस में आपको बैटरी के हिसाब से 6 से 7 घंटों का स्क्रीन टाइम देखने को मिलेगा। तो बैटरी के मामले में रेडमी नोट 6 प्रो ज़्यादा बेहतर है। परफॉर्मेंस दोनों की सेम है, पर परफॉर्मेंस आपको क्लीन देखने को मिलेगी नोकिया 6.1 प्लस में, क्योंकि रैम मैनेजमेंट वगैरह सारी चीज़ अच्छी, क्योंकि स्ट्रोक एंड्रॉइड दिया हुआ है इसमें।
अगर बात करें मटेरियल की डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की, तो डिज़ाइन वाइज फ़ोन रेडमी नोट 6 प्रो रेडमी नोट 5 प्रो की तरह ही है, ज़्यादा कोई मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं। मेटल बिल्ड के साथ में फ़ोन आता है, पर जो नोकिया 6.1 प्लस है वो आपको एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ में ग्लास बॉडी के साथ में आता है, जो कि आपको काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्टनिंग लुक देता है, काफ़ी नया लुक देता है। अगर रेडमी नोट 6 प्रो की बात करें तो वही आपको पुराना वाला लुक देखने को मिलेगा, मगर नोकिया में आपको काफ़ी नया लुक देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। काफ़ी इंप्रेसिव लुक देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी डिज़ाइन के साथ में बिल्ड किया है। और बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो नोकिया की बिल्ड क्वालिटी रेडमी नोट 6 प्रो से काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतर है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में नोकिया की शायद कोई होड नहीं कर सकता है। अगेन नोकिया 6.1 प्लस है, जो एंड्रॉयड ओ के साथ में आता है, पर आपको साथ ही में इसमें एंड्रॉयड 9.0 की अपडेट भी देखने को मिलती है, और ये एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम के साथ में आता है। तो नोकिया 6.1 प्लस में आपको काफ़ी जल्दी अपडेट्स देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, अबाउट फोन में जाने के बाद में एंड्रॉयड 9.0 पे ये फ़ोन वर्क कर रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। जबकि रेडमी नोट 6 प्रो की बात करूँ तो यहाँ पे ये फ़ोन एंड्रॉयड 8.0 पे वर्क कर रहा है अभी भी, और इसमें MIUI दी हुई है, तो आप भूल जाइए कि आपको जल्दी से जल्दी कोई अपडेट मिल पाएगी। यहाँ पे देख सकते हो एंड्रॉयड 8.1 दिया हुआ है, और इसमें आपको एंड्रॉयड 9.0 दिया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दोनों फ़ोन में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलेंगे, दोनों में हेडफोन जैक दिया हुआ है, और नोकिया में आपको कोई आईआर ब्लास्टर देखने को नहीं मिलेगा, जबकि एमआई में आपको आईआर ब्लास्टर देखने को मिलेगा। और ओवरऑल दोनों फ़ोन प्रोसेसर में सेम है, रैम 4 GB 64 GB के साथ में नोकिया आता है, और 6 GB 64 GB के साथ में आप रेडमी नोट 6 प्रो भी ले सकते हो, जो कि महंगा मिलेगा। 4 GB 64 GB के साथ में आप रेडमी नोट 6 प्रो भी ले सकते हो। अगेन अगर आप चाहते हो एक कॉम्पैक्ट फ़ोन जो कि क्लीन यूआई के साथ में आए, नोकिया 6.1 प्लस खरीद सकते हो, जिसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी, कैमरा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। हालांकि कैमरा ज़्यादा ब्राइट रेडमी नोट 6 प्रो का है, पर डिटेलिंग इसमें काफ़ी मिस है, और नोच भी काफ़ी बड़ी दी हुई है, जो काफ़ी हद तक अच्छी नहीं लगती, और फ़ोन भी आपको वेट में मतलब भारी देखने को मिलेगा, जबकि नोकिया 6.1 प्लस आपको बिल्कुल कॉम्पैक्ट देखने को मिलेगा, काफ़ी इजीली आप एक हाथ में से यूज़ कर सकते हो, पर मगर रेडमी नोट 6 प्रो का आप एक हाथ में यूज़ नहीं ले सकते हो। सो ये सारी चीज़ें जो कंपैरिजन थे दोनों के बीच में मैंने आपको बता दिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।